और श्री आशुतोष नंदन उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेनुआ बालिका हुसैनगंज सिवान से ताल्लुक रखते हैं, कृपया तैयार रहेंगे और बच्चों से आग्रह है जोरदार ताली। प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कला रामपुर जमालपुर मुंगेर तैयार रहेंगे। श्री सुधाकर ठाकुर प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय दिंगरा मशरी मुजफ्फरपुर। और आपके बाद श्री प्रदीप कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कलरापुर जमालपुर मुंगेर। मुंगेर जो योग की धरती कही जाती है वहां से आप ताल्लुक रखते हैं, जोरदार ताली। कहते हैं करे योग रहे निरोग, तो उस धरती से हैं। श्री सूर्यदेव कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरहरपुर शारदा। और श्री आशुतोष नंदन उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेनुआ बालिका हुसैनगंज सिवान से ताल्लुक रखते हैं, कृपया तैयार रहेंगे और बच्चों से आग्रह है जोरदार ताली। श्रीमती कुमारी निधि प्रधान प्रभारी प्रधान शिक्षिका नया प्राथमिक विद्यालय सुहागी ठाकुरगंज किशनगंज। श्रीमती पुष्पा प्रसाद शिक्षिका राजकीय मध्य विद्यालय कुचायपुर कन्या कुचायपुर गोपालगंज। और जहाँ पर थावे मंदिर है और लोग दूर दूर से। श्रीमती सुमोना रिंकू घोष के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संजय कुमारी सरोज शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय परसा मथुरा सारण। श्रीमती सुमोना रिंकू घोष और पुरस्कार ग्रहण करती हुई और उसके बाद श्रीमती संजय कुमार किए पुरस्कार से हम लोगों ने सम्मानित किया। जैसा कि हमने अपने भाषण में बताया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है शिक्षा पर हम लोगों का विशेष ध्यान है, कैसे शिक्षा में और उत्कृष्टता लाई जाए और ताकि बिहार का और इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहे, तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो सेकेंडरी हो हायर एजुकेशन हो, हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा बजट भी 20% करीब, जो हमारा एनुअल बजट है उसका 20% शिक्षा विभाग का है। साक्षरता में भी बहुत सुधार आया, जो पहले 2001 में 34% था, आज महिलाओं का 75% हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे अब 1% से कम रह गया है। और 1,80,00,000 से ज़्यादा 1-12 में स्टूडेंट्स हैं और 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, लेकिन हम समझते हैं कि हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारी टीम है वो सभी लगी हुई है और हम लोग हर पहलू पर कोशिश कर रहे हैं फोकस करने का। और हमने जैसा कि कहा स्थानांतरण नीति भी हम लोग उधार ला रहे हैं ताकि विशेष करके दिव्यांगों का या असाध्य रोगों से जो ग्रसित हैं या महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल, देखिए एक चीज़ है कि चाहे वो गेस्ट लेक्चरर्स हों या गेस्ट टीचर्स हों, तो अब तो प्रक्रिया यही है कि एग्ज़ाम के थ्रू सबको आना है। और हम लोगों ने BPSC के तहत भी लाखों बहालियां की, फिर और जो सक्षमता बहालियां करके अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन रहे हैं, तो अभी और
डेढ़ लाख बहालियाँ आनी हैं तो उनको वेटेज दिया जाता है उनके अनुभव का, तो और एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एक वैकल्पिक और टेम्प्रेरी व्यवस्था है, कहीं भी आप जो गेस्ट लेक्चरर्स या गेस्ट टीचर, दैट इज़ ए टेम्प्रेरी अरेंजमेंट। आज के दिन कोई तोहफा देना चाहेंगे शिक्षकों को, शिक्षा मंत्री? हम तोहफा यही देना चाहें, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और निश्चित रूप से वो तोहफा उन्हें देना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य है या देश का भविष्य है ये जो बच्चे उनको और बेहतर बना सके, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक भी हो सके और जो वैल्यू बेस्ड एडुकेशन में वो अपना सहयोग दें। सर, ट्रांसफ़र को लेकर के उम्मीद कब तक है, कब तक कोई तारीख? इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। और उसको सर कितने दिनों में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? उसमें जो वक्त लगे, क्योंकि सक्षमता में है, करीब करीब 2.25 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा उसमें सॉफ्टवेयर तैयार करके। हम लोग पिछले दिनों सर बिहार विधान परिषद में बैठक हुई, कई सारे शिक्षक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, किन किन विषयों पर चर्चा हुई और इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग ने कहा? वो आप एक इंटरनल बैठक थी और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, वित्त रहित इत्यादि को, और हम लोग जो वित्त रहित थे अगले 2 साल का रिलीज भी कर रहे हैं, और भी कुछ मुद्दे थे उसको हमने यही आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर, वो भी जनप्रतिनिधि हैं जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने समस्याएं रखी हैं हम लोग के सामने, और हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से जहाँ तक हो सकेगा निश्चित रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। थर्ड फेज की बहाली का रिजल्ट कब तक आएगा? वो तो कमीशन को करना है, लेकिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया जल्द से जल्द। नहीं, फिलहाल वो तो वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट उसे भी हमें देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, राज्य सरकार अपने सर पर अभी निर्णय लेगी। मनचाहा जिला मिल रहा है शिक्षकों को, ये अब जो जब निर्णय होगा आपको बता देंगे। तो किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है अब तक? देखिए, जो विकलांग हैं और जो बीमार हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार कर रही है सरकार अपना जल्द निर्णय। स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या है? स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है, उसी को लागू होंगे। 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग? देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो प्रावधान है उसी को लागू करें, जो प्रावधान है जी। लगातार आप खबरों में बने रहते हैं सर, मतलब लगातार आपके वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं, तो आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? कभी छापा मार देते हैं स्कूलों में? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, और इसी पर हम लोग मेहनत करते हैं। आज के दिन कोई तोहफा आप भी जो शिक्षकों को देना चाहेंगे? तोहफा क्या है, हम लोग सभी को बधाई देता हूं और सभी को आदर और सम्मान समर्पित करता हूं। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज।